खुशहाली का वाहिद फार्मूला, ऐसे जुमले बहुत कम कम मिलते हैं सुनने। ये वाहिद वहां मिलते हैं जहां यकीन हो, जहां शऊर हो, जहां इदराक हो और कामिल आपको यकीन हो। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने इसके फार्मूले के साथ एक चीज आपको दिखा दी कि हर किसी दरवाजे को खोलने के लिए, सुनिए, हर किसी दरवाजे को खोलने के लिए किसी चाबी की जरूरत है और चाबी इस किताब का सिंबल है। तो इन्होंने आपको न सिर्फ ये बताया बल्कि ये बताया कि आइए और दरवाजा खोलिए। सुबह दम दरवाजे खावर खुला, सुबह दम दरवाजे खावर खुला, किस तकल्लुफ से के गोया बुत कदा खुला। आज का मौजूद गुफ्तगू हैबिट है, हैबिट मुकम्मल मुस्तकम आदतों का नाम है। आदतें जब मुस्तकम हो जाती है, जैसे जुबैर के इंट्रोडक्शन में ये कहा गया कि जुबैर को पढ़ने और दूसरे के काम आने की आदत है जो इनके वाले साहब से विरासत में मिली। आदत अच्छी हो या बुरी वक्त के साथ साथ पुख्ता हो जाती है, लेकिन जुबैर की जो आदत पुख्ता हुई है उससे माशरे को, लोगों को, अफराद को और इंसानियत को न सिर्फ तमानियत मिलती है बल्कि एक रास्ता भी मिलता है और उसको गामजन होने के लिए जरिया भी मिलता है। आपने हमेशा सुना होगा आदत ही के बारे में, कुछ थोड़ा सा क्योंकि था कि मैं इसको कुछ देख लूं, किताब में मेरा इंटरेस्ट था, वरना मैंने कभी लिख के कभी नहीं लाया। कुछ पॉइंट याद होगा आप लोग, आप लोग इसके गवाह, कुछ पॉइंट ऐसे थे जो मैं चाह रहा था कि आदतें अगर पड़ जाती हैं न छूटे मुझसे लंदन में भी आदाब सारे। सुबह उठने की आदत थी एक अच्छी आदत थी, जैसे जुबैर की एक अच्छी आदत है कि पढ़ते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं। इसी तरीके से अभी हमारे रिजवान ने यह शेर पढ़ा था कि आदत ही बना ली है तुमने तो मुनीर अपने, जिस शहर में भी रहना उगताए हुए रहना। अब आप अगर आपको दुआ मांगने की आदत पड़ जाए, मिदन की आदत पड़ जाए और उसके बावजूद भी आप पे कोई ऐसा वक्त आए तो आप क्या करते हैं? अल्लामा इकबाल ये कहते हैं कि खुदा शिबे अरबाब वफा भी सुन ले होगरे हमसे, यानी तो हम करने की आदत है, होगरे हमसे थोड़ा सा गेला भी सुन। आदत ने मजबूर किया हुआ है, तो आदत ने इस तरह मजबूर किया होता है कि हम बाज़ोकात ये कहते हैं, जुमला आपने सुना होगा कि जमी जुम्बद नुम्बद गुल मोहम्मद, वो हिल नहीं सकता, मुस्तहकम हो गया, उसकी फितरत के अंदर ये चीज आ गई। हम आदत में देखिए इब्तदाई आफरीनिश से हमने बचपन से जुमला सुना, इब्तदाई आफरीनिश से आज तक इंसान ने और इंसानियत ने इर्तकाई मनाजिल तय किए या तय कर रहा है। क्या इससे मुत्तफिक है? नहीं, मैं तो नहीं। पहले वो पत्थर से चरंग और परिंद को मारता था, फिर तीर और तलवार से मारना शुरू किया, फिर तोहफो तफंग का सहारा लिया और अब एटमी हथियार इस्तेमाल करता है। बात वही है, आदतें वही है, न खूब बदली न आदत बदली न रुत बदली। तो ये देखें, ना इंसान बदला ना इंसानियत के तरीक बदले, न फर्द बदला ना माशरा बदला, न रुत बदली ना मौसम बदला, न तौर बदले और न तरीक बदले, न फिक्र बदली और न सोच बदली, न हम बदले और न तुम बदले। तो आज दुबई ने जो कोशिश की है हमें बदलने की कोशिश की है। अब देखें हम कितने कामयाब होते हैं, कहने को तो बहुत कुछ था लेकिन कुछ आंखें मुझे ऐसे देख रही होती हैं, वक्त बता रही होती हैं कि वक्त हो गया खत्म। अब हर दौर में आप ये देखें मशायख पैदा हुए, मुसन्निफ पैदा हुए, मुवर्रिख पैदा हुए, स्कॉलर पैदा हुए, रिसर्चर पैदा हुए, उन्होंने क्या किया? वो मायूस नहीं हुए कि आदत नहीं बदलेगी, वो अपना काम कर रहे हैं। और जुबैर उसी फौज का एक सिपाही है। गुफ्तगू की मुजफ्फर साहब ने बहुत कुछ टेक अवे थे, लेकिन उसके अंदर एक टेक अवे जारी बात हर एक अपने हिसाब से कहता है कि एक टेक अवे था वो उनके अंदर फियर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग आपके पास सोर्स ऑफ मोटिवेशन। फैनिदा रियाज साहबा की एक छोटी सी नजम है कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी हो सकता है। इस राह में राहजन है इतने, कुछ और कहां हो सकता है? कुछ और तो अक्सर होता है,
कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में जिंदा हो वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा।